हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू लोटेक। आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। आई वुड लाइक टू कंग्रेचुलेट यू गाइस कि ये जो कोर्स हमारा है वो ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है। इस वीडियो में आपको मैं पिछली वीडियो को कंटिन्यू करूँगा, सॉफ्टवेयर जो मैंने डिस्कस किए थे पिछली वीडियो में, इस वीडियो में उसको पार्ट टू बना रहा हूँ। जो सॉफ्टवेयर हम लोगों ने डिस्कस नहीं किए, आई विल जस्ट डिस्कस दोज सॉफ्टवेयर्स, एंड उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में जो है चैट वगैरह के बारे में बताऊँगा, एंड एक और बोनस वीडियो भी बनाने वाला हूँ गाइस आप लोगों के लिए। क्योंकि मेरे पास कुछ कमेंट्स आए हैं कि सर टेल्स ऑपरेटिंग सिस्टम से बेहतर है कि मैं काली लिनक्स यूज़ कर लूँ। मेरे पास कुछ ऐसे आई थिंक मोर देन 25-30 जो है ना इस तरह के मैसेज आए हैं जो लोग ये समझते हैं कि यार टेल्स और काली लिनक्स इज़ बेटर वन। ऐसा एक्चुअली नहीं है। काली लिनक्स में जो चीज़ आप लोगों का प्री इंस्टॉल्ड है वो आप लोग वैसे भी इंस्टॉल कर सकते हैं। सो एक बोनस वीडियो आप लोगों के लिए बनाऊंगा मैं, जो बिल्कुल लास्ट वीडियो होगी उसके अंदर मैं आप लोगों को काली लिनक्स के जो टूल्स प्री इंस्टॉल्ड आते हैं वो सब यहाँ पे भी आप लोग इंस्टॉल कर सकते हैं। डोंट वरी अबाउट दैट। विदाउट एनी फर्दर ड्यू आई विल स्टार्ट द वीडियो। एक छोटी सी इंट्रो है, उसके बाद मैं आप लोगों को दोबारा मिलता हूँ। तो गाइस पिछली वीडियो में आप लोगों को मैंने टोर ब्राउज़र डिसमैनेजमेंट और जो है ना प्रोटेक्टिंग योर डेटा, जो आप लोगों की बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, वो मैंने डिस्कस किए थे। वीडियो नहीं देखी पिछली वाली तो इस लिंक पे क्लिक करें एंड लाजमी वो वीडियो देख लीजिएगा, और उसके बाद फिर ये नेक्स्ट वीडियो आप लोगों के पास जिसमें जो रिमेनिंग सॉफ्टवेयर हैं वो मैं डिस्कस करने वाला हूँ। चलते हैं गाइस एप्लीकेशन में और आप लोगों को कुछ दिखा दूँ मज़ीद इसके अंदर ऐसी कौन सी चीज़ें हैं। चलें स्टार्ट करते हैं थंडरबर्ड। थंडरबर्ड बेसिकली गाइस क्या चीज़ है? थंडरबर्ड आपके पास एक आउटलुक है। अगर मैं इसको ओपन करता हूँ अनसेफ ब्राउज़र में, आप लोगों ने जाके ओपन करना है अपना ईमेल्स वगैरह, तो जो है ना आपकी जितनी भी ईमेल्स होती हैं गाइस वो सब अनप्रोटेक्टेड रहती हैं, इनक्रिप्टेड नहीं रहती हैं। लेकिन अगर आप थंडरबर्ड यूज़ करते हैं तो आपका जो ईमेल्स हैं वो सब का सब उसका जो डेटा वो भी इनक्रिप्टेड रहता है। सो ये इस काइंड ऑफ आउटलुक आप लोग इसको कन्फिगर करें। सेम SMTP पॉप की जो आप लोगों की सेटिंग्स वगैरह होंगी वो सब आप लोगों को पता होनी चाहिए। और आप ऑफिस 365 वगैरह यूज़ करते हैं सो आई थिंक यहाँ पे आप लोग योर फुल नेम, योर ईमेल एड्रेस, पासवर्ड वगैरह देखें, कंटिन्यू करें एंड यू गाइस विल बी गुड टू गो। तो ये थंडरबर्ड बेसिकली गाइस ये मैं कॉन्फ़िगर नहीं करूँगा, नहीं तो हर चीज़ कॉन्फ़िगर करते करते गाइस वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। बट आई वांट टू गिव यू एन ओवरव्यू कि बाकी सॉफ्टवेयर्स यहाँ पे जो हैं वो क्या क्या हैं। सो थंडरबर्ड इज़ योर आउटलुक, सिंपल इज़ दैट। एप्लीकेशन में जाता हूँ गाइस अगेन, उसके बाद मैं अगर की पास पे क्लिक करता हूँ। की पास आप लोगों को पता है गाइस के ये एक्चुअली इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर, बहुत एक अच्छी चीज़ है। हम लोग जो है ना इसको यूज़ कर रहे होते हैं अक्सर। क्या चीज़ है की पास? पासवर्ड हम लोगों ने अक्सर रखे होते हैं, एक ही पासवर्ड होता है मल्टीपल अकाउंट्स में। अमेज़ॉन में भी ये भी होता है, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, यूट्यूब पे, हर जगह पे हम लोगों ने इतने सारे अकाउंट तो हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं। हर एक अकाउंट का अगर अलग अलग पासवर्ड रखें तो गाइज़ आई थिंक हमें याद भी नहीं रहेगा खुद ही। और फिर हम क्या करते हैं उसे बचने के लिए, हम एक कॉमन पासवर्ड रख लेते हैं और वो हर अकाउंट में वही सेम पासवर्ड रहता है। एक अकाउंट अगर आप लोगों का हैक हो गया तो समझ जाएं कि आपका कंप्लीट सोशल जो है वो सब हैक हो गया, वो सब कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा। तो फिर एक एज अ नॉर्मल बीइंग या नॉर्मल ह्यूमन बीइंग हम इतने सारे पासवर्ड्स तो याद नहीं रख सकते हैं। फिर हम क्या करते होते हैं, फाइल बना लेते हैं। उसके बाद फाइल बना लिए, वो अगर फाइल आपकी किसी वजह से किसी तरह कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है, वो तो फाइल कहाँ बनाएंगे, कंप्यूटर के अंदर पड़ी रहेगी, नहीं तो आपके मोबाइल में पड़ी रहेगी, वो भी बहुत बड़ा रिस्क है। वहाँ से भी फाइल मिल जाएगी तो फाइल फिर तो जो हैकर है उसको हिट एंड ट्रैक करने की ज़रूरत ही नहीं हो, तो आपको प्लेन टेक्स्ट में सब कुछ अवेलेबल हो जाएगा। इन चीज़ों से बचने के लिए की पास आपके पास टेल्स ने एक चीज़ इंट्रोड्यूस करवाई है। इसको आप क्लिक करें और मैं आपको इसके थोड़ी बहुत यूजेज बता देता हूँ। इससे आप अपना जो है ना पासवर्ड, एक तो बहुत ही मुश्किल पासवर्ड होगा जो कि आपको खुद भी याद नहीं होगा, बट की पास विल रिमेंबर इट और आपके जो अकाउंट्स हैं वो सब सेफ रहेंगे। उसके इसको ओपन करने के लिए ना क्रिएट न्यू डेटाबेस करना पड़ेगा, हमें एक नई डेटाबेस बनानी पड़ेगी। आई विल जस्ट राइट डाउन अ नेम, सोशो पासवर्ड्स फॉर इंस्टेंस। ओके, आई विल जस्ट गो अहेड एंड कंटिन्यू। इसको आप कुछ नहीं कीजिएगा, ये डेटाबेस के फॉर्मेट हैं, सो आई विल जस्ट गो विद कंटिन्यू। और उसके बाद ये की पास का पासवर्ड मेक श्योर करें कि ये पासवर्ड जो है एक आपको रिमेंबर होना चाहिए, याद रखना चाहिए और इट शुड बी वेरी बिग इनफ। सो मैं एक बहुत बड़ा पासवर्ड लिख लेता हूँ, बहुत कम्प्लेक्स पासवर्ड लिख लेता हूँ जो कि हम अक्सर रखते होते हैं। ओके, तो गाइस मैंने एक बहुत लेंथी पासवर्ड रख लिया है और इसके अंदर एक ऐसा पासवर्ड है कि
इसके अंदर स्पेशल कैरेक्टर्स, नंबर्स, कैपिटल लेटर्स, स्मॉल लेटर्स सब कुछ अवेलेबल है। सो एंड ये ऐसा पासवर्ड है जो मुझे याद भी है। इसको करते हैं गाइज डन कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपके पास ये डेटाबेस कहते हैं जो आप लोगों ने जो डेटाबेस है आपकी, इसको सेव करना है कहीं पे आप लोगों ने। तो मैं इसको अमनीजिया के अंदर कहाँ पे टोर ब्राउज़र में ही सेव कर पाऊँगा। सेव करता हूँ गाइज वहाँ पर जाके। और यहाँ पे आप लोगों ने अभी अपने क्रेडेंशियल्स क्रिएट करना शुरू कर देना है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे टाइटल करता हूँ अमेज़ॉन और वका यूज़र नेम होगा मेरा वकास खान फॉर इंस्टेंस, ये है नहीं बट वट एवर, जस्ट आप लोगों को बताने के लिए। पासवर्ड मैं रख लेता हूँ, एक नॉर्मल सा पासवर्ड रख लेता हूँ ये, एंड आई विल जस्ट रिपीट इट। ओके, और उसके बाद गाइज मैं करता हूँ URL फॉर एग्ज़ाम्पल चले amazon.com। ओके, सो गाइज ये जो पासवर्ड है यहाँ पे अगर रिपीट के आगे आपके पास एक ऑप्शन होगी जिसको टॉगल पासवर्ड जनरेटर, इस पर क्लिक करें और यहाँ पे पासवर्ड आप लोगों को पता चल गया कि देखें ये 77.56 बिट का पासवर्ड है। और इसको आप क्या कर सकते हैं ना गाइज कि इतना ज़बरदस्त चीज़ है कि आप इसको बढ़ा सकते हैं। ये लें, इसको मैं लेंथ इसकी बड़ी कर रहा हूँ लेकिन अब मुझे पासवर्ड याद नहीं होगा कि क्या होगा। ठीक है गाइज, तो इसमें आप ये भी सेलेक्ट कर सकते हैं कि करेक्टर एजी टाइप्स स्मॉल एजी 9 एडवांस में जाके कुछ भी। ये सब करने के बाद गाइज इसको आप कर लें एक्सेप्ट। ठीक है गाइज, अभी देख लें आपका ये पासवर्ड है जो कि मुझे भी खुद भी याद नहीं है। ये देखें ये मेरा पासवर्ड बन गया अभी, लेकिन अभी ये पासवर्ड डेफिनेटली एक कम्प्लीट इम्प्रैक्टिकल पासवर्ड है जो मुझे याद नहीं होगा, लेकिन आप लोगों को याद करने की ज़रूरत ही नहीं है। ये मैंने अमेज़ॉन की एंट्री बना दी है, इसको आप लोगों ने सिंपली करनी है। ओके, और जब भी आप अपना अमेज़ॉन पे अमेज़ॉन क्लिक करेंगे और आपके पास जो एग्जैक्ट आपको यूजर नेम एंड पासवर्ड होगा वो जब आप टहलेंगे तो यहाँ से वो पासवर्ड उठा लिया करेगा। यहाँ से आप अपना पासवर्ड और ये दूसरी बात यह है कि ये जो आपके पास सॉफ्टवेयर है ये भी इनक्रिप्टेड रहता है, सारे ट्रैफिक इसके अंदर भी इनक्रिप्टेड होती है। इसको मैं फॉर एग्जांपल बंद कर देता हूँ, जैसे दोबारा ओपन करता हूँ मुझे वही जो कि मेरा जो मैंने एक पासवर्ड रखा था वो मुझे दोबारा से देना पड़ेगा, वो मुश्किल वाला पासवर्ड। लेट मी ट्राई, अगर मैं गलती नहीं करता हूँ तो गो यस। ठीक है गाइस, तो ये चीज़ आपके पास, इस तरह आप अपना अमेज़ॉन सोशल फेसबुक यूट्यूब वगैरह सब कुछ यहाँ पे आप लोग अपना कीपैस में रख सकते हैं। इसके बाद मैं कवर करता हूँ पिजन इंटरनेट मैसेंजर है। इंटरनेट मैसेंजर आपको जिस तरह हम लोग याहू मैसेंजर होता है, यहाँ पे आपके पास टेल्स में पिजन इंटरनेट मैसेंजर है। इसके ऊपर मैं वीडियो कंप्लीट बनाऊंगा, वो नेक्स्ट वीडियो होगी। इट्स अ गुड वीडियो, मज़ा आएगा आप लोगों को। फाइल्स आप लोगों को यही चीज़ मिल जाएगी फाइल्स पे। फॉर एग्जांपल मैं क्लिक करता हूँ, ये कोई एप्लीकेशन नहीं है बट आई विल जस्ट गो थ्रू इट। फाइल्स पे क्लिक करता हूँ तो आप लोगों को ब्राउज़र किस्म की जो आपकी विंडो है वो ओपन हो जाएगी। तो यू गैस कैन जस्ट नेविगेट फ्रॉम हियर। एप्लीकेशन में जाता हूँ गाइज, अगेन ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। एक्सेसरीज़ में जा रहा हूँ गाइज, कैलकुलेटर, फाइल्स, अगेन GTK हैश। क्या चीज़ है भी GTK हैश गाइज? एक ऐसा टूल है आपके पास, इसकी मैं आपको थोड़ा बहुत समझा देता हूँ। अक्सर क्या होता है कि हम लोग जब कोई फाइल डाउनलोड कर रहे होते हैं इंटरनेट से फाइल डाउनलोड करते हैं तो आप लोगों को नहीं पता होगा लेकिन उसकी ना एक हैशेज होती हैं, वो भी अक्सर वेबसाइट आपको हैश जो है ना वो प्रोवाइड करते हैं। आप गूगल कर लीजिएगा ये चीज़ कि आप जो डाउनलोड कर रहे हैं उसकी हैश फाइल्स कैसे पता करनी है। अभी फॉर इंस्टेंस मैं क्या करता हूँ गाइस कि अच्छा इस सॉफ्टवेयर का पर्पज़ क्या है, सिक्योरिटी अगेन, कि अगर आप कोई चीज़ डाउनलोड कर रहे हैं इंटरनेट से और जो आप लोगों ने डाउनलोड कर ली है वो जो फाइल है और वो जो फाइल इंटरनेट से आते आते आपके सर्वर आपके कंप्यूटर तक आई है, बीच में कोई वो टेंपर तो नहीं हुई, और अगर टेंपर हुई है तो जो है ना उसके हैशेस वगैरह डिफरेंट हो जाएंगे। होता क्या है अक्सर कि अगर एक फाइल डाउनलोड करते हैं और उसको उसकी एक हैश आपको मिल जाएगी, अगर वो फाइल ओपन करने के बाद आप उसको एडिट कर लेते हैं, चाहे वो एक छोटा सा बिट भी आप लोगों ने एडिट कर दिया ना, तो क्या होगा गाइस कि वो जो उसको एक वो पुराना हैश चला जाएगा, नया हैश उसको मिल जाएगा। तो जब आप फाइल डाउनलोड करते हैं गाइस तो उसको डाउनलोड करने के बाद आप उसको कि एक काम करें, उस फाइल को नेविगेट करें। फॉर एग्जांपल मेरे पास जो ये रिपोर्ट एंड एरर ये भी एक फाइल है, इसको मैंने फाइल पे वो कर दिया है और उसके बाद मैं इसको हैश पे क्लिक करता हूँ, ये उसकी हैशेज हैं। ये डिफरेंट मैकेनिज्म है, MD5 मैसेज डाइजेस्ट 5, MD7 भी है होता है, इसमें वो चीज़ नहीं है, SHA-1, SHA-256 और CRC-32, ये एक डिफरेंट मैकेनिज्म हैं और इस टूल ने आपको हर मैकेनिज्म का एक ही बार में आप लोगों को हैशेज दे दिए। आप लोगों ने क्या करना, जो आपने डाउनलोड किया फाइल उस फाइल के हैशेस वेरीफाई करें, उसके हैशेस देखें, MD5 के हैशेस या SHA-1 जो भी है आपके पास, जो भी आपको मिल जाए उसको आप वेरीफाई कर लीजिएगा यहाँ से कि ये जो हैश है और वो वेबसाइट के ऊपर जो हैश है वो सेम है कि नहीं। अगर वो सेम नहीं है गाइस तो उस फाइल को टच भी नहीं करें बिकॉज वो फाइल कंप्रोमाइज़ हो चुकी है, वो टेम्पर हो चुकी है। ये एक एप्लीकेशन है आपके पास GTK हैश, अगेन इट्स अ वेरी गुड एप्लीकेशन। एप्लीकेशन में जाता हूँ आगे, अगेन एक्सेसरीज़ में टेक्स्ट एडिटर, जिस तरह आप लोगों के पास नोट पैड होता है विंडोज़ के अंदर
या फिर जो है ना टेक्स्ट एडिटर और भी बहुत सारे होती हैं। इसके अंदर टेक्स्ट एडिटर के अंदर आप सिंपली टेक्स्ट वगैरह कर सकते हैं, नहीं तो कोड लिख सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं गाइज़। आप लोगों ने जो है ना माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ अगर यूज़ करते हैं तो हर चीज़, कोई भी एक ऐसा एप्लीकेशन जब आप डाउनलोड करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप लोगों ने एडिटिंग करनी है, वीडियो एडिटिंग करनी है, तो उसके लिए आप लोगों पास जो एडोब प्रीमियर वगैरह होता है, या अगर आप मैक यूज़ करें, फाइनल कट वगैरह हो गया, वो सब पेड एप्लीकेशन है, राइट। हर चीज़ आपको उसके अलग अलग पेमेंट और जो है ना वो पे करने पड़ते हैं। टेल्स आपको ना बहुत सारे एप्लीकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट दे देता है गाइज़। अभी मैं डिस्कस करने वाला हूँ ग्राफिक्स के अंदर। सबसे ऊपर अगर आप देखें ना गाइज़, तो ये GNU इमेज मैनिपुलेशन प्रोग्राम, ये आपके पास इज अ काइंड ऑफ अडोब फोटोशॉप, ठीक है। ये आपके पास फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। आप इसको ओपन करेंगे और आप लोग देखेंगे, अगर आप लोगों ने अडोब फोटोशॉप इससे पहले यूज़ किया है, तो ये सारी टूल्स इसके अंदर वो बिल्ट इन मौजूद हैं। एक लिमिट तक आप जो है ना एडिटिंग इसके अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं, एंड इट्स अ ग्रेट थिंग टू हैव। ओके, इसको ओपन करते हैं मैनिपुलेशन प्रोग्राम को। थोड़ा टाइम ले रहा है गाइज, हियर वी गो। ये देखें आपके पास ये जितने भी टूल्स हैं ये सब अवेलेबल हैं, और अगर आप लोगों ने फोटोशॉप यूज़ किया है तो आप लोगों को ये अच्छी तरह पता होगा कि ये टूल्स क्या क्या काम करते हैं, ठीक हो गाइज। फॉर एग्जांपल मैं एक छोटा सा एक न्यू फाइल क्रिएट कर लेता हूँ, एंड आई विल जस्ट प्रेस ओके। और यहाँ पे मेरे पास दो कलर्स हैं, सो ये कुछ भी कर सकते हैं गाइज। लाइक आई सेड, मैं ये इस वीडियो में अभी फोटोशॉप तो आप लोगों को नहीं सिखा सकता हूँ, लेकिन अगर आप लोगों को पता है फोटोशॉप, आती है फोटोशॉप, तो आप लोगों को आप बिल्कुल इसको रिलेट कर लेंगे। सो इट्स एन अडोब फोटोशॉप काइंड ऑफ थिंग, इट्स अ रेप्लिका ऑफ अडोब फोटोशॉप, एंड इट्स अवेलेबल फॉर फ्री ग्राफिक्स के अंदर। इंक स्पेस गाइज, अडोब इलस्ट्रेटर, अगर आप लोगों ने इलस्ट्रेटर आप लोगों को यूज़ करना आता है, तो इंक स्पेस इज़ अ रेप्लिका, इज़ अ सोल्यूशन ऑफ अडोब इलस्ट्रेटर, विच इज़ अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर यू गाइज ऑन टेल्स ऑपरेटिंग सिस्टम। इसको भी आप ओपन कर सकते हैं। ऑनेस्टली मुझे इलस्ट्रेटर जो है ना वो यूज़ करना नहीं आता है, लेकिन पता है कि जो है ना कैसे, आई जस्ट मुझे गो अराउंड थोड़ा बहुत आगे पीछे घूमना फिरना आता है, बट इतना नहीं आता है कि मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ इन चीज़ों में। बट एनीवे, ये चीज़ें आप जो है ना गाइज इसको एक्सप्लोर करें, अगर आप लोग अडोब इलस्ट्रेटर में जो है ना आप लोगों की नॉलेज है, तो दिस इज़ आल्सो अवेलेबल फॉर यू फ्री ऑफ कॉस्ट। मैं आगे चलता हूँ एप्लीकेशन में। अगेन ग्राफिक्स में आप लोगों को सिंपल स्कैन, ये स्कैन का स्कैनिंग का एप्लीकेशन है आपके पास, ये अवेलेबल होता है। लिब्री ऑफिस ड्रॉ काइंड ऑफ एम एस पेंट, ठीक है गाइज। इंटरनेट पर आप जाएँ, इंटरनेट में जाता हूँ गाइज। आप लोगों के पास इलेक्ट्रम बिटकॉइन वॉलेट, इलेक्ट्रम अगर आप लोगों ने पैसे वगैरह ट्रांसफ़र करने, BTC बिटकॉइन आप लोगों को पता ही होगा आजकल बहुत ही ज़्यादा महंगा हो गया है, हाथ से निकल चुका है, तो अगर आप लोगों को वो पता है तो गाइज यहाँ से आप लोग जो है ना उसको ट्रांसफ़र वगैरह भी कर सकते हैं। इलेक्ट्रम बिटकॉइन वॉलेट है आपके पास। इंपॉर्टेंट चीज़ आने वाली है गाइज, ओनियन शेयर के नाम से। हम अक्सर जब हम डेटा शेयर कर रहे होते हैं गाइज, ईमेल के ऊपर तो 15 MB, 20 MB, 50 MB से ज़्यादा डेटा आप ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं। फिर हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, आप लोगों ने वी ट्रांसफ़र एक बहुत फेमस वेबसाइट है जहाँ पे आप लोग अपना अप टू 2 GB समथिंग, इसी तरह और बहुत सारी एप्लीकेशन है। मैं वी ट्रांसफ़र अक्सर कभी एक बार यूज़ करता था पहले, तो वहाँ से ना आप लोग क्या करते हैं गाइज, अपना डेटा, अपने ओरिजिनल फाइल्स वो आप उनके सर्वर्स में रख देते हैं। लेकिन अगर आपका ये कंसर्न है कि नहीं वो फाइल जो है ना वो मिसयूज़ हो सकती है, वो जो है ना वो आपको क्या पता कि उनके सर्वर्स में वो डेटा के साथ क्या होने वाला है। अक्सर ऑफिशियल फाइल्स ऐसे होती हैं कि हम जो है ना बड़ी फाइल्स जो है ना अपने प्रोजेक्ट्स वगैरह में अपने क्लाइंट्स को सेंड कर रहे होते हैं, और वो ईमेल्स के थ्रू सर्कुलेट नहीं हो सकती है, तो आपको आइदर USB यूज़ करनी है, नहीं तो CDMA वगैरह बंद करना पड़ेगा आपको, नहीं तो थर्ड ऑप्शन आपके पास जो है वो आपको किसी एप्लीकेशन में, किसी सर्वर्स में, प्राइवेट सर्वर में जाके अपलोड करनी पड़ेगी, एंड यू गाइस हैव टू प्रेजेंट अ लिंक, वहाँ से वो लोग डाउनलोड कर लेते हैं। ओनियन शेयर अगेन, इट्स अ वेरी सेफ थिंग टू हैव। ओनियन शेयर में क्या होता है गाइस, आप लोग सेफ अपना डाटा शेयर कर सकते हैं, और वो कैसे शेयर करेंगे और उसकी सिक्योरिटी फीचर्स क्या है वो भी आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ। ओनियन शेयर ओपन करते हैं, और उसके बाद गाइस करते हैं, क्लिक करते हैं ऐड। अभी मुझे यहाँ पे वो फाइल देनी है जो मुझे शेयर करनी है। फॉर एग्जांपल अगेन रिपोर्ट, ये जो मेरे पास डेस्कटॉप में फाइल पड़ी हुई है, ये इस मैंने जो है इसको वो करते सेलेक्ट कर लिया। ऑल आई हैव टू डू इज स्टार्ट शेयरिंग करूँगा, शेयर स्टार्ट करूँगा गाइस। ये मुझे एक लिंक दे देगा, और ये आप लोगों को मैं बता दूँ कि ये टोर नेटवर्क का जो है ना एक लिंक होगा, ओनियन वेबसाइट का लिंक होगा, और जिसको आप सेंड कर रहे हैं उसके पास भी टोर ब्राउज़र होना चाहिए, और वो भी ऑनलाइन होना चाहिए, तभी ये फाइल डाउनलोड होगी। और ये मेरे सर्वर से, मेरे कंप्यूटर से लेके उसके कंप्यूटर तक जितना भी ये ट्रैवलिंग होगी डेटा की, वो सब इनक्रिप्टेड रहेगी, टोर नेटवर्क के थ्रू जाएगी,
कंप्लीटली एनोनिमस रहेंगे और ना ये फाइल कहीं पे जाने वाली है ना किसी को एक्सेस होने वाली है. सो दिस इज़ अ सेफेस्ट थिंग यू नो टू शेयर योर डेटा. उसको मैं क्लिक करता हूँ, स्टार्ट शेयरिंग करता हूँ. ये देखें ये येलो रहेगा तो ये इसका मतलब डेफिनेटली स्टार्टिंग है. और जैसे ही ये टर्न ग्रीन हो जाएगा तो यू विल बी प्रेजेंटेड विद अ लिंक. वो लिंक कॉपी कर लें और लिंक वो उसको आप सेंड कर दें, व्हाट्सएप पर सेंड कर सकते हैं, उसको ईमेल पर सेंड कर सकते हैं. लेकिन वो जो लिंक होगा गाइज मैं आप लोगों को भी दिखा देता हूँ, वो लिंक सिर्फ और सिर्फ टोर ब्राउजर के अंदर ही ओपन होगा, उसके अलावा ओपन नहीं होगा. चाहे वो उसको फायरफॉक्स वगैरह में ट्राई भी कर सकते हैं, इट्स नॉट गोना वर्क आउट. तो यहाँ पे गाइस अभी देखिए मेरे पास लिंक जनरेट हो चुका है. और अगर आप इसको इस लिंक को देखें और से तो 3.6.7 मुझे नहीं पता ये क्या चीज़ है, लेकिन यहाँ पे देखें डॉट ओनियन. ओनियन मतलब आपके पास ओनियन साइट्स, ओनियन का ओनियन राउटर कौन सा होता है, टोर राउटर होता है, टोर ब्राउजर होता है, आई एम सॉरी. तो गाइज ये जो लिंक है ऑल यू गाइस हैव टू डू इज इसको क्लिक कर लीजिएगा. यहाँ पे देखें मैं जैसे क्लिक करता हूँ वहाँ पे आपके पास नोटिफिकेशन भी आ रही है, ओनियन शेयर एड्रेस हैज बीन कॉपीड टू क्लिपबोर्ड. उसके बाद मैं आप लोगों को दिखाने के लिए जस्ट टोर ब्राउजर ये मैं पूरी ट्रांजैक्शन आप लोगों को दिखा रहा हूँ कि जैसे यहाँ से लेके वहाँ तक जब जो आपका फाइल जाती है आप लोगों को कैसे पता चलेगा. ये आपको एक और इसका नया फीचर है, ज़बरदस्त फीचर बता देता हूँ कि जैसे ही वो बंदा डाउनलोड कर लेगा जो भी आपका रेसिपिएंट है, ऑटोमेटिकली जो ये फाइल है वो इसकी शेयरिंग बंद हो जाएगी. मतलब ऐसा नहीं है कि वो फाइल आप लोगों ने सेंड की, वी ट्रांसफर में क्या करते हैं गाइस आप लोग, या फिर और बहुत सारी जो आपके ड्रॉप बॉक्सेस हो गए, जो आपकी जी ड्राइव्स हो गई, इसी तरह बहुत और बहुत सारी वेबसाइट्स हैं मेरे माइंड में भी नहीं आ रही, वहाँ पे आप लोग वो लिंक कॉपी करते हैं और लिंक सेंड करते हैं. और लिंक सेंड करने के बाद मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, एक मिनट पेस्ट कर देता हूँ, here we go, yes, इसको एंटर करते हैं. तो वो जो डाटा हो, वो जो लिंक होगा गाइज, वो अगर वही रेसिपिएंट कहीं किसी और को फॉरवर्ड कर देता है तो वहाँ से वो भी डाउनलोड कर सकता है. इसके अंदर ये चीज़ नहीं है. जैसे ही मैंने अभी आप गौर करें यहाँ पे स्टॉप शेयरिंग में, इस फाइल को ज़्यादा जो है ना गौर से देखें इस विंडो को, जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ ना डाउनलोड फाइल्स पे क्लिक करता हूँ, ये भी को देखें 100% टाइम लैप्स, 0 सेकंड, 1 सेकंड में, 0 सेकंड में कंप्लीट हो गई. उसने क्लिक कर दिया है, मैं इसको जाके टोर ब्राउज़र पे इसको सेव कर लेता हूँ फाइल, यहाँ पे टोर ब्राउज़र पे इसको सेव कर लेता हूँ. वो फाइल मेरे पास सेव हो चुकी है और यहाँ पे ऑटोमेटिकली वो जो शेयरिंग है वो भी कम्प्लीटली बंद हो जाएगी. अभी अगर मैं दोबारा से यही मुझे मिली थी जो मेरे पास ये लिंक था, इसको रिफ्रेश कर देता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, ये देखें वो फाइल अभी अवेलेबल नहीं है. तो गाइस जैसे ही, और यहाँ पे आप लोगों को नज़र भी आ रहा है कि ये जो है जो आपकी फाइल है वन फाइल वो कम्प्लीटली डाउनलोड हो गई है. यहाँ से आप अपनी मर्जी से बहुत सारी फाइल्स, बहुत सारी जो भी आप लोगों का डाटा है वो यहाँ से आप सेलेक्ट कर लें और उसको ऐड करने के बाद स्टार्ट शेयरिंग कर लें. एक इसका ड्रॉबैक है वो ये है कि वो ये थोड़ा बहुत स्लो रहेगा. वो ऑब्वियस है क्योंकि टोर नेटवर्क यूज़ कर रहा है, स्विच कर रहा है, इनक्रिप्ट कर रहा है, तो डेफिनेटली थोड़ा बहुत तो कहीं ना कहीं हमें कॉम्प्रोमाइज़ करना ही पड़ेगा. थोड़ा बहुत स्लो रहेगा बट इट्स डेफिनेटली वर्थ इट, बहुत ज़्यादा सेफ है. बंद करते हैं इसको और आगे चलते हैं एप्लीकेशंस में. अगेन आई विल गो विद एप्लीकेशन. यहाँ पे गाइस आप लोगों के पास ऑफिस है, कंप्लीट ऑफिस बिल्कुल फ्री अवेलेबल मौजूद है आप लोगों के पास. माइक्रोसॉफ्ट में आप लोगों को ऑफिस भी डेफिनेटली परचेस करना पड़ेगा, और अगर आप लोग इसको क्रैक करते हैं तो मालवेयर उसके अंदर रहते हैं, पता होना चाहिए आप लोगों को. ऑफिस फ्री है बिल्कुल. अगर आप एक्सेल यूज़ करना चाहते हैं तो लिब्रा ऑफिस के नाम से जो है ना टेल्स के अंदर ऑप्शन सॉफ्टवेयर मौजूद होते हैं. एक्सेल का जो है वो लिब्रा ऑफिस कैलकुलेटर कैल्क के नाम से, ये एक जो है ना क्लिक करेंगे तो ये आपके पास एक्सेल ओपन हो जाता है. एक्सेल की जो है ना रेप्लिका है, डिटो कॉपी है. हियर वी गो, देख लें यहाँ पे आपके पास फार्मूलाज वगैरह. अगर आप देखें आप लोगों ने डेफिनेटली यूज़ किए होंगे यार एक्सेल, आप लोगों ने यूज़ किया होगा. तो ये आप लोगों के पास एप्लीकेशन आ गई कैलकुलेटर की. सेम थिंग गोज विद किस तरह के ऑफिस. हियर वी गो, आपके पास ड्रॉ जो है वो प्रेजेंटेशन है. ये आपके पास राइटर है जो कि आपके पास वर्ड पैड, जो आपके पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है. तो गाइस ये सारी जो चीज़ें हैं आप लोगों के पास ऑलरेडी बिल्ट इन हैं, अवेलेबल हैं, कोई आपको पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं होती है. प्रोग्रामिंग POE एडिट इसको रहने दें, थोड़ा सा लंबा हो जाएगा काम. साउंड एंड वीडियो में अगर आता हूँ गाइस तो ऑडेसिटी फ्री ऑडियो जो है ना एडिटिंग वगैरह की एप्लीकेशन है. यहाँ से आप अपना ऑडियो जो है वो एडिट वगैरह कर सकते हैं. इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप लोग कर सकते हैं. ये भी ब्रासेरो आपके पास एक नई एप्लीकेशन है जिसमें आप लोग जो है ना मल्टीपल जो वॉइस हैं वो आप रिकॉर्ड वगैरह करके उसको वॉइस ओवर वगैरह कर सकते हैं. इट्स अ गुड थिंग टू हैव. साउंड रिकॉर्डर एक नॉर्मल साउंड रिकॉर्डर है जिसमें जो भी अपना माइक है उसको आप रिकॉर्ड कर सकती हैं. वीडियोज़ अगर आप देखें यहाँ पे आपके पास एडोब प्रीमियर का जो है ना एडिटिंग कॉपी भी दे दी है या फिर फाइनल कट की वीडियोज़, यहाँ पे आप अपलोड अपना वीडियो भी एडिट कर सकते हैं. ये इसका एप्लीकेशन जो कि अगेन आप लोगों के लिए फ्रीली अवेलेबल है, बिल्कुल फ्री है. आगे चलते हैं गाइस सिस्टम टूल्स में. सेटिंग्स आपके पास अगेन कंट्रोल पैनल है. एडिशनल सॉफ्टवेयर्स जब हम ये मैं लास्ट वीडियो में कवर करूँगा
परसिस्टेंट वॉल्यूम्स हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, रूट टर्मिनल, टी एन इंस्टॉलर, ये सब कुछ ऑलरेडी कवर हो चुका है। टेल्स में अगर मैं जाता हूँ, यहाँ पर भी ऐसा कुछ नहीं, यूनिवर्सल एक्सेस डैशर नहीं चाहिए। यूटिलिटीज़ में हाँ, आर्काइव मैनेजर आपका विन आर आर है गाइस, जिप फाइल, अगर आप लोगों के पास जिप फाइल्स ओपन करने के लिए आर्काइव मैनेजर होते हैं यहाँ पे। और इमेज व्यूअर जो जिस तरह सेम प्रीव्यू आपका बस माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ की एप्लीकेशन होती है, इमेज ओपन करने के लिए इमेज व्यूअर है आपका टेल्स में। स्क्रीन शॉट वगैरह भी आप लोग ले सकते हैं, और स्क्रीन शॉट में एक एरिया टू ग्रैब, यार मतलब एक सिक्योरिटी ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर ना आपको इतनी सारी चीज़ें मिल रही हैं। सो ये देखें, मैंने अपनी मर्जी का सिक्योरिटी एरिया भी कवर कर सकते हैं जो भी आप लोगों को चाहिए। सो गाइस, ये सारी एप्लीकेशंस हैं, कुछ एप्लीकेशन मैंने छोड़ दी हैं और वो आप लोगों के लिए असाइनमेंट होगी कि जो डैशर मैंने छोड़ दिया है, जो मैंने पी ओ ई एडिट छोड़ दिया है, वो आप लोग ज़रा उसको गूगल करें और उसको जाना थोड़ा बहुत स्टडी करें, छोटा सा असाइनमेंट है आप लोगों के लिए। और कोई भी क्वेश्चंस होंगे आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं। अगेन मैं आपको एम्फेसाइज करता हूं कि आप जो है इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं, वहां से मुझे मैसेज कर सकते हैं, आई डेफिनेटली रिप्लाई टू ईच वन ऑफ यू। थोड़ा सा डिले हो जाता है कभी कभार, रिप्लाई करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन मैं डेफिनेटली ज़रूर रिप्लाई करता हूं। सो आप लोगों के कोई भी क्वेश्चंस होंगे, फील फ्री टू आस्क मी ऑन फेसबुक, ऑन इंस्टाग्राम, ऑन ट्विटर, आपके पास सारी लिंक्स अवेलेबल हैं, कहीं पे भी आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हैं, आई विल बी वेरी हैप्पी टू रिप्लाई। विद दिस आई विल रैप अप द वीडियो, आई होप यू एंजॉयड द वीडियो। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आती है तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, एंड आई विल वेलकम यू टू द फैमिली। माय नेम इज विकास खान, आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।